हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे एक्सरसाइज जो है 9.1 अर्थात सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, जो कि बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ राइट फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। फर्स्ट लिखा ए एन इक्वल टू एन इन टू एन प्लस टू लिखा हुआ है। तो अब इसमें करना क्या है कि फर्स्ट फाइव टर्म्स दैट मीन्स एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करना है। यदि आप पुट करते हैं एन बराबर 1, तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू ए 1 की आ जाएगी। दैट मीन्स 1 इंटू जो है 1 प्लस 2 आ गया। तो इस तरीके से 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना होता है 3। दैट मीन्स कितना आ गया सर 3 आ गया। तो ए 1 की वैल्यू जो हमारे पास आ गया वो 3 आ गया। ठीक, इस तरीके से आप जो है फिर पुट अगेन करेंगे n बराबर जो है आपका 2। तो इस तरीके से आपके पास a2 आएगा, दैट मीन्स 2 इंटू जो है 2 प्लस 2 हो जाएगा। आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना होता है 4 होता है। दैट मीन्स कितना आ गया सर 8 आ गया। ठीक, इसी तरीके से आप n बराबर जो है अगेन ध्यान से समझिएगा पुट n बराबर जो है 3। तो उस केस में जो है आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो आपके पास क्या हो जाएगा ए 3 हो जाएगा। दैट मीन्स 3 इंटू 3 प्लस 2। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखें तो 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना होता है 5। That means कितना आ गया 15 आ गया। ठीक, फिर इसी तरीके से आप जो है पुट करेंगे n बराबर जो है मेरे भाई बहन लोग 4 रखेंगे। तो उस केस में जो है आपका a 4 बनेगा 4 times 4 plus 2। तो इस तरीके से 4 into 4 plus 2 6 होता है। That means कितना आ गया 24 आ गया। बिल्कुल। अब इसके बाद जो है a 5 आप पुट करेंगे n बराबर जो है अगेन आप पुट करेंगे 5। तो इस तरीके से आपके पास a 5 की जो वैल्यू आएगी 5 into 5 plus 2। तो दैट मीन्स आपका 5 into 5 plus 2 कितना होता है 7 होता है। और इस तरीके 5 7 35 हो गया। तो आपके पास जो फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए अकॉर्डिंग टू दैट गिवन बेसिकली डेटा 5 टर्म्स जो आपके पास आ गए। फर्स्ट 5 टर्म्स जो आपने फाइंड आउट किए मेरे भाई बहन लोग, आपका पहला तो 3 है, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका 8 है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका 15 है, फिर 24 है और फिर 35 है। इस तरीके से आपको बस इसमें वैल्यूज क्या करना सर पुट करना है और आराम से जो है वैल्यूज को क्या कर लेना सर ऑब्टेन करना। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इंटरेस्टिंग है, समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को क्या करेंगे सर समझते चलेंगे, जिससे कि आपको बेहद मजा आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से आप सीखते रहेंगे और समझते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सर जी, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट है, या क्वेश्चन नंबर ये 1 था। इसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है ए एन बराबर जो है ए एन बराबर एन अपन एन प्लस 1 आपको गिवेन है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है अगेन फर्दर आपको पुट करना है एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 तक आप एक एक वैल्यू पुट करते जाएंगे। आंसर आता जाएगा ए 1 बराबर 1 अपन 1 प्लस 1 हो गया। दैट मीन्स कितना गया 1 अपन 2 आ गया। ए 2 आप फाइंड आउट करेंगे तो 1 हमें से जो है 2 अपन क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, दैट मीन्स 2 अपन 3 हो गया। इसी तरीके से आप 3 पुट करेंगे ए 3, तो 3 अपन क्या हो गया 3 प्लस 1 हो गया। तो 3 अपन कितना आ गया 4 आ गया। फिर इसी तरीके से जो है आगे 4 पुट करेंगे तो 4 अपान क्या जाएगा 4 प्लस 1, दैट मीन्स ए 4 बराबर 4 अपान 5 आ गया। फिर आप 5 पुट कर देंगे मेरे भाई बहन लोग तो 5 अपान 5 प्लस 1, दैट मीन्स 5 अपान 6 आ गया। तो ये आपके पास ए 5 आ गया। बिल्कुल, ये तो ए 5 इज इक्वल टू 5 बाई क्या आ गया सर 6 आ गया। ठीक है ना, तो देखिए फर्स्ट 5 टर्म्स आपके पास अगेन फाइंड आउट हो गई। तो आप ऐसे राइट डाउन कर देंगे फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीरीज है, नॉट एन ए पी लिखा है। फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जो आपके पास आ गई सर जी, यहाँ पे आप सीक्वेंस फाइंड आउट करें नॉट इन एपी फाइंड आउट करें। ओके, तो इस तरीके से जो आपके पास वैल्यू क्या आ गया सर 1 अपॉन 2 हो गए अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस, और 2 अपॉन क्या हो गया सर जी 3 हो गया। फिर इसके बाद जो है आपका 3 बाई कितना आ गया सर 4 आ गया, फिर 4 बाई 5 आ गया और लास्ट में 5 बाई 6 हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ध्यान से कितने आराम तरीके मतलब आसान तरीके से जो वैल्यूज हमारे पास क्या है ऑब्टेन होता जा रहा है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आ गया सीक्वेंस के सारे बेसिकली 5 टर्म्स आपने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं भाई बहन। ध्यान से बस आप तरीके दिखते रहिए बारीकी से, बिल्कुल बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान से देखना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया सर जी नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा। नंबर 3 में आपको दिया गया है, थर्ड पार्ट ये कह रहा है सर जी ए एन इज इक्वल टू आपको गिवन है 2 की पावर एन गिवन है। अब यहाँ पे फर्दर आपको जो एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करना है। तो आप पुट करेंगे एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 पुट करेंगे। तो उस केस में आपके पास जो वैल्यू आ गया ए 1 2 की पावर मतलब 2,
ए टू को फाइंड आउट करेंगे 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 हो गया, फिर ए थ्री फाइंड आउट करेंगे 2 की पावर 3, तो 8 हो गया, ए की पावर 4 करेंगे 2 की पावर 4, मतलब आपका कितना जाएगा 16, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, 4 बार प्रोडक्ट करेंगे, तो इस तरीके से जो है आपका 16 आ जाएगा, फिर आई 5 2 की पावर 5, 5 बार प्रोडक्ट करेंगे 2 को तो 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस का फर्स्ट 5 टर्म्स आपके पास आ गया सर जी। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या है सर जी, 2 है, 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है और फिर 32 है। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे क्या किया सर, फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस क्या है सर करते रहना है और ध्यान से बेसिकली क्वेश्चंस को क्या है आपको समझते रहना। ओके, अब चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से बस आप देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आपको तरीके केवल समझना है और सीखते चलना है, ठीक है ना मेरे भाई बहनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया मेरे भाई बहन लोग, ए एन इज इक्वल टू आपके पास से नंबर फोर्थ पार्ट है, ए एन इज इक्वल टू आपको गिवन है 2n-3, 2n-3 अपन जो है सर 6 गिवन है। तो अब बातें सर इसको कैसे करते हैं, तो इस चीज को करने के लिए अब अगेन फर्दर आपको पुट करेंगे सर जी, पहले लिख लो भैया n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, ये सब वैल्यूज आप क्या करेंगे सर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आपको वैल्यू ऑब्टेन होगा, दैट जैसे a1 हो गया तो 2 × 1-3 हो गया अपन 6 हो गया, तो 2 − 3 / 6 को देखें तो माइनस वाला नंबर बड़ा है तो −1/6 आ गया, फिर a2 फाइंड आउट करेंगे तो 2 × 2 − 3/6 हो गया, तो 2 × 4 − 3/6, दैट मींस 1/6 आ गया मेरे भाई बहन। फिर आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास 3 मतलब 2 × 3 हो गया, माइनस का 3 अपन जो है 6 है, तो 2 × 3 = 6 − 3 अपन में 6 आ गया, दैट मींस 3/6 हो गया, और 3/6 को कॉमन टेबल से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो है सर जी नेक्स्ट अगेन फर्दर फाइंड आउट करें, a4 फाइंड आउट करेंगे, आप n की वैल्यू यहां पे 4 पुट कर देंगे मेरे भाई बहन लोग, तो आपका ये 6 हो गया, 2 × 4 = 8 − 3/6, तो 8 में से 3 गया 5/6 आ गया, और फिर इसके बाद a5 फाइंड आउट करेंगे तो 2 × 5 − 3/6, तो 2 × 5 = 10 − 3/6 हो गया, दैट मींस 7/ कितना आ गया 6 आ गया। तो इस तरीके से जो है सर मेरे भाई बहनों देखिए फर्स्ट 5 टर्म्स अगेन आपको फर्दर ऑब्टेन होगी, तो आप लास्ट में लिख देंगे हेंस फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस, 5 टर्म्स जो है आप यहां पे आपके पास वैल्यू जो गिवन है सर माइनस का 1/6 गिवन है, इसके बाद जो है 1/6 गिवन है, और फिर इसके बाद जो है 1/2 आया हुआ है, फिर 5/6 आया है, फिर 7/6 आया है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के क्या होगे सीक्वेंस होगे अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट गिव मतलब गिवन डेटा। बोलो क्लियर। अब आगे नेक्स्ट की अंदर बात करते हैं मेरे भाई बहनों, समझ में आ रहा होगा सभी को, तरीके बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे, एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से लग रहा होगा कि बड़े मजेदार एक्सरसाइज है, कठिन नहीं लग रहा होगा आपको सीक्वेंस से, है ना मेरे भाई बहनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आप बिल्कुल बारीकी से क्या करेंगे सर समझते चलेंगे और आपको काफी बेहतरीन मजा आएगा सर एपी पढ़ने में, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ने में। नंबर 5 दिया गया सर जी, 5 नंबर आपको दे रखा है, an दिया -1 की पावर, ध्यान दीजिएगा सर an बराबर -1 की पावर सर कुछ करके दिया है, n माइनस 1 लिखा हुआ है सर, और इसके बाद इनटू लिखा हुआ सर जी 5 टाइम्स n प्लस 1 लिखा हुआ है, तो 5 टाइम्स n प्लस 1 के बारे में जिक्र किया गया, तो इस तरीके से आप यहां पे पुट करेंगे सर जी, n की वैल्यू जो वही सेम गाना गाना है सर जी, गाना गाना आना चाहिए तो मजा ही आता है ना भाई। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, जिसे आपने पुट कर दिया 1, तो इस तरीके से -1 की पावर 1 -1 हो गया, 5 की पावर 1 प्लस कितना हो गया 1, तो -1 की पावर यदि आपका 0 होता है तो आपको पता है सर जी कि जब बेसिकली वैल्यू 0 होती है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव 1 आ जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ गया मेरे भैया। तो आपके पास ये 1 हो गया, 5 × 5 = 25, तो ये 25 बन गया, फिर a2 को फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर जो है 2 − 1 करेंगे और 5 की पावर 2 + 1 करेंगे, तो इस तरीके से -1 की पावर कितना हो गया सर जी 1 हो गया, और ये 5 की पावर 3 हो गया, -1 की पावर 1 हो गया, और 5 का 3 125 होता है ना, ये 5 × 5 = 25 है। क्लियर। इसके बाद जो है आप अगेन पुट करेंगे n बराबर 3, तो जब आप n बराबर 3 पुट करेंगे तो a3 आ जाएगा, -1 की पावर 3 − 1, और 5 की पावर क्या हो जाएगा सर 3 + 1 हो जाएगा, है ना भैया लोग, ध्यान से देख सकते हो। तो इस तरीके से -1 की पावर 2 हो गया इनटू 5 की पावर 4 हो गया, तो इस तरीके से 5 की पावर 4 5 = 25, 125 × 5, तो 625 आ जाएगा सर, पॉजिटिव आएगा। बोलो क्लियर। इसी तरीके से फर्दर फाइंड आउट करेंगे, a4 फाइंड आउट करेंगे तो -1 की पावर 4 − 1 हो गया,
और 5 की पावर जो है सर जी आपके पास 4 प्लस 1 हो गया 5 आ जाएगा, माइनस 1 की पावर ऑड नंबर हो गया और 5 की पावर क्या हो गया 5 हो गया। तो इस तरीके से सर जी ए 4 ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 25 625 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 3 1 2 5 आ जाएगा सर जी, बट निगेटिव होगा। कैसा होगा सर जी? निगेटिव होगा क्योंकि माइनस 1 की पावर ऑड नंबर है इसलिए, क्लियर। अब इस तरीके से ए की पावर 5 का चेक कर लीजिए, तो माइनस 1 की पावर जो है 5 माइनस 1 हो गया एंड 5 की पावर जो है 5 प्लस 1 हो गया, तो इस तरीके से माइनस 1 की पावर 4 हो गया और 5 की पावर 6 हो गया। तो जब 5 की पावर 6 है 3 का टेबल फिर पढ़ेंगे तो 15625 माइनस 1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 15625 आ जाएगा। 5 की पावर 6 को जब आप सॉल्व करेंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5 करके तो उस केस में आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है मेरा भाई बहन लोग? बोलो क्लियर को डाउट? अब इसके बाद जो है सर जी नेक्स्ट आपसे फिर ये कहा गया, तो ये आप लिख देंगे फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस यू कैन राइट। आपके पास जो वैल्यू है सर जी वो 25 हो गया और फिर इसके बाद जो है माइनस का 125 हो गया, 625 हो गया, माइनस का 3125 हो गया, 15625 हो गया। इस तरीके से आपके पास क्या हो गया सर? वैल्यूज आ गए गिवन डेटा के बेस पर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मजेदार बिल्कुल धमाकेदार है सर जी, ध्यान से सीखिएगा। बोलो आया समझ में या नहीं? क्लियर है ना? कोई डाउट? तो आप यहां देख रहे हैं सर हर एक क्वेश्चन में एक ही तरीके का काम हो रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर। बस आपको एन की वैल्यू पुट करके बस तरीका लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर रखा है और बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं। बोलो बस समझ में आ गई, ठीक है ना मेरे भाई लोग? बोलिए आया समझ में सभी को? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6 है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है सर जी। 6 नंबर में आपसे ये कहा गया है कि बेसिकली ए एन बराबर एन इंटू दिया गया है, ए एन बराबर एन इंटू एन स्क्वायर प्लस का 5 है अपन का 4 लिखा हुआ है। सर ये एन जो है मल्टीप्लाई में है, ये ध्यान रखना, मिक्स फ्रैक्शन में मत समझ लीजिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नया गाना नहीं गाना बल्कि 1 2 3 4 5 पुट करना और आंसर का आनंद लेना, ठीक है सर। तो ए वन बराबर जो है गया 1 × जो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 upon 4, तो 1 × 1 का स्क्वायर 1 होता है 5 हो गया अपन 4, दैट मीन्स 5 × 6/4। तो 6/4 मतलब क्या हो गया? कॉमन टेबल से डिवाइड 2 से तो 3 अपन कितना आ गया? 2 आ गया, ओके। इसी तरीके से आपने n बराबर 2 पुट किया तो a 2 आ गया, 2 × जो है आपका 2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 5 हो गया अपन का 4 हो गया। तो 2 × 2 जो 4 होता है प्लस का 5 होता है अपन 4, मींस जो है 4 हो गया। तो इस तरीके से 4 5 कितना हो गया? 9 हो गया, 2 जो कैंसिल हो गया तो 9 अपन कितना आ गया? 2 आ गया, क्लियर है सर जी। इसके बाद आपने a 3 फाइंड आउट किया तो 3 × जो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपको पता है ना ये लोग अपन 4 कर दिया, तो 3 × 3 = 3 जा 9 प्लस 5 हो गया अपन का 4 हो गया। तो इस तरीके से 3 × आपका 14 आ जाएगा सर, और 14 upon 4 2 जा और ये 7 जा, तो 21/2 कितना हो गया सर? 2 हो गया। बोलो क्लियर। इसी तरीके से आप जब a 4 फाइंड आउट करेंगे तो 4 × 4 का स्क्वायर हो गया प्लस का 5 हो गया अपन का 4 हो गया। तो 4 × 4 = 4 जो 16 प्लस 5 हो गया अपन का 4, तो 4 × 16 = 5 = 21 upon 4 हो गया। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 21 आ गया सर। बोला है समझ में नहीं? 16 × 5 = 21 हो गया, बट डिवाइड में 4 है तो सर 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है ना सर। बोलो आगे समझ में? एक लास्ट वन है, 5 पुट करेंगे तो पुट कर दीजिए एन बराबर जो है 5। तो इस तरीके से 5 × तो ए 5 बराबर क्या आ जाएगा? 5 × 5 का स्क्वायर प्लस 5 upon 4, तो दैट मीन्स क्या आ गया? 5 × 5 = 25 + 5/4। तो इस तरीके 5 × 30 upon 4 हो गया, तो 2 × 2 = 15 × 5 = 75 कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स जो है वैल्यू निकल गया 3/2, 9/2, 21/2, 21 and 75/2। तो ये फर्स्ट 5 मतलब टर्म्स हो गए सीक्वेंस के। तो इस तरीके से देखिए सीक्वेंस निकालना कितना आसान होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रमानुसार कोई वैल्यू को क्या करना सर? ऑब्टेन करना, इस ठीक है ना सर। बोलो बात समझ में आ गई? इसमें कोई ये नहीं कि सर जी दोनों का गैप सेम नहीं है, तो एपी सीरीज में होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है ऐसा। सीक्वेंस का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ ऑर्डर या घटता हुआ ऑर्डर होना चाहिए, उनके बीच में गैप क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता है, ओके। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं बोलेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे भाई बहन लोग, तो आप लोग से हाथ जोड़कर हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, जिससे कि उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों में जाएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकेंगे। हमारे चैनल पर क्लास 9 के कुछ वीडियो अपलोडेड हैं, 10th का कंप्लीट वीडियो अपलोडेड है विद एमसीक्यू के साथ साथ, और इसके बाद जो 11th स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे भाई बहन लोग आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा चैनल आप लोग के बीच में पहुंचेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की मदद कर पाऊंगा, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, थैंक यू।